चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के फैसले को केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने सही माना है। इस कमेटी में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के अलावा सीईआरटी यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के प्रतिनिधि शामिल हैं। अधिकारियों और प्रतिनिधियों के अलावा 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले पर केंद्र सरकार की समिति ने मोहर लगा दी है। इन ऐप्स की डाटा साझा करने की प्रणाली के मद्देनजर आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक सचिव के अपने इमरजेंसी अधिकार का प्रयोग करते हुए बैन लगाने का फैसला किया था और बुधवार को सरकार की समिति ने अपने बैठक में इस फैसले को सही माना है। और अब अंतिम फैसला लेने से पहले इन चीनी ऐप्स के प्रतिनिधियों को समिति के सामने अपने बात रखने का एक मौका मिलेगा और एक हफ्ते के अंदर इन कंपनियों के प्रतिनिधि समिति के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। बता दें कि पिछले सोमवार देर रात को भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन 59 चीनी ऐप्स में सबसे अधिक पॉपुलर ऐप टिकटॉक भी शामिल है। हालांकि टिकटॉक का कहना था कि वह किसी भी देश को डेटा शेयर नहीं करता है, वहीं इस बैन का असर अब दिखने लगा है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि टिकटॉक और शेयरइट जैसे वैश्विक ऐप्स को बैन करने से न केवल इन कंपनियों पर बल्कि इन कंपनियों के लिए काम करने वाले हजारों भारतीय आईटी कर्मचारियों पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी बाइट डांस को करीब $6 अरब का नुकसान हो सकता है।